तो इन लेट्स स्टार्ट। इन प्रीवियस सेशंस वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक टूल्स, बट टुडे आई विल डिस्कस्ड द एचवीएसी लेआउट, हाउ टू क्रिएट एचवीएसी लेआउट। देन दिस इज द सिंपल लेआउट ऑफ द ऑफिस, लाइक ऑफिस बिल्डिंग टाइप्स। हेयर इज द कॉन्फ्रेंस रूम, एंड आपको नजर आ रहा होगा ये लंच रूम्स, एग्जीक्यूटिव केबिन, ऑडिट रूम, एंड दिस इज द वर्क स्टेशन। तो फर्स्टली तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेयर बनाऊंगा किसी भी चीज का, जो कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस सेशन, बट अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द लेयर। तो व्हाट इज द लेयर कमांड, और द शॉर्ट की इज द ऑफ द लेयर कमांड इज एल ए एंटर, एंड देन press here new layer vp version in all viewports, click here and then type name sad supply air duct, and then click layers, okay, and then again click here and then type names s.a diffusers. And sorry. And then again click here and for the return error or dot a diffuser. Again for the equipments like AHU and AFCU. FCU. Click here and the layers. Ready रहने देते हैं. And then default line tab को हम change कर लेंगे. Click here 0.09 and then click here 0.09. And cancel. Basically, और आप लोग जानते होंगे कि ड्राफ्टिंग से पहले हमें इसका डिजाइन पोर्शन पता होना चाहिए, ठीक है। डिजाइन पोर्शन का मतलब ये हुआ कि फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम हाउ, इसके अंदर यहाँ पर हमें कितना सीएफएम सप्लाई करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द सीएफएम फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम एंड लंच रूम्स एंड एग्जीक्यूटिव रूम। तो बेसिकली मैं आपको कॉन्फ्रेंस के रूम के पास के लिए डिजाइन दिखाऊंगा कि व्हाट शुड बी टोटल लोड एंड सीएफएम। तो रैंडमली मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बेसिकली इज फॉर द थंब रूल, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी हैव नो मोर टाइम टू डिस्कस अबाउट। एक मिनट, हाँ ओके सॉरी,
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थंब रूल के हिसाब से, यूजिंग द थंब रूल हाउ टू कैलकुलेट द टी आर एंड सी एफ एम, एंड देन आफ्टर दैट वी विल ड्राफ्ट. तो एज अ पॉलीलाइन सेलेक्ट द पॉलीलाइन या रेक्टेंगल, यू कैन ड्रॉ इट एंड सेलेक्ट एंड कंट्रोल वन. तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपके पास डिफाइंड एरिया एंड लेंथ. तो अभी मुझे क्या चाहिए, एरिया. ओके तो हेयर वी हैव द लेआउट इन mm. यू एन प्रेस एंड देन सी व्हाट इज द स्केल इन मिलीमीटर. तो यहाँ पे जो हमारा स्केल है वो मिलीमीटर में है. तो एरिया, व्हेन वी कैलकुलेटेड द एरिया देन इट शो इन mm स्क्वायर, स्क्वायर mm. तो रैंडमली मुझे यहाँ पर से निकाल कर मानना पड़ेगा कि ये टोटल आप कितने स्क्वायर mm में है. आप इसे टोटल स्क्वायर फीट एरिया आप कैलकुलेट करें जितना भी है. यहाँ पर भी ऑलरेडी मेंशन्स है कॉन्फ्रेंस एरिया, ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं 8.2 × 4 32.8 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया इनटू 10.76. तो देन 350 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 3, सॉरी इनटू 3. तो टोटल सीएफएम वी फाउंड 1100 अप्रॉक्स 1100 सीएफएम एंड डिवाइडेड बाय 1100 सीएफएम डिवाइडेड बाय 400, तो देन 2.75 टीआर. दिस इज द थंब रूल. बट एग्जैक्टली जब हमें इसे कैलकुलेट करना होगा, वी वांट टू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, देन यू हैव टू prepare the EL E20 sheet, then यह आपको जाना होगा HAB पे, ठीक है. तो then यहाँ पर randomly हमने निकाल लिया कि हमारे लिए 2.75 TR, मतलब round off आप 3 TR इसको calculate कर सकते हैं कि 3 ton की ज़रूरत है और 1100 CFM की हमें requirement है. तो अब यहाँ पर हम पहला जो हम देखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मैं पहला जो आपको एक डेमो देना चाहूंगा यहाँ पर वो इस डिफ्यूजर्स के साथ, कि यहाँ रिक्वायरमेंट है रिटर्न डिफ्यूजर एंड सप्लाई डिफ्यूजर्स की और एक सीलिंग सस्पेंडेड AHU की. तो हेयर वी प्लेस द सीलिंग सस्पेंडेड AHU एंड कनेक्ट द डक्ट एंड फर्स्टली वी ड्रॉ द डिफ्यूजर. So then for the diffuser, we will select diffuser layer, supplier diffuser, and then command REC enter. Click here and add the rate 600 by 600 and then press offset 50. And then make a arrow symbol. And then tr, trim command, tr double enter and select here. This one is very large. तो देन हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे.
तो फॉर द स्केल एससी एंटर क्लिक हेयर एंड देन स्केल फैक्टर. तो पुट द वैल्यू ऑफ स्केल फैक्टर जस्ट हाफ 0.05. Now we will use the array command, select arrow and press AR for the arrow. Enter and then press polar. Click the center point and I enter for the item and press 4. Enter. Then this is the supply diffuser and we will convert into the block. B enter name as dot air diffuser, then pick a point and click here, select object and then select and okay. This is a supply diffuser, but here we make a supply diffuser size 600 by 600. If we required 450 by 450, then we will again scale. Use scale command. SC enter, select object, enter. Sorry. SC enter, base point, reference. Use the reference command R. Yeah, press. Here हम लोग R command use करेंगे and then reference point first point to second point and then enter the value 450. तो इस तरीके से हम scale भी कर सकते हैं. This is the way to scale for आप scale reference के साथ भी कर सकते हैं और you can enter the value of the scale parameter. Then place here move command and हम लोग यहाँ पे move करते हुए diffusers को move करेंगे. अब ये diffusers कहाँ place करना है ये भी depend करता है, depend on client architect. क्यों? Because of architecture point of view से अगर हम देखें इस चीज को तो यहाँ पर अगर उनकी lighting fixtures पहले से मेंशन हो रखी है लेआउट पे, ऑल द लाइटिंग प्लेस्ड इन द लेआउट, तो हमें लेआउट के हिसाब से ही चलना होगा. लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमें एक ओपन एरिया जहां पर हमें कोई भी लाइटिंग फिक्चर्स या इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं नजर आ रहा है, उसमें हम फिर खुद से ही पहले मेंशन करके आगे अप्रूवल के लिए हम भेज देते हैं. ठीक है, तो पहला मैं सिर्फ क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको ड्राफ्टिंग स्किल बताना है तो इसमें हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर प्लेस करना चाहिए. तो ये आपको अगर जहां भी प्लेस करने के लिए कहा गया, खैर अभी तो हमें देखना है कि हमें हमारे लिए बेहतर क्या है. तो मैं एक डिफ्यूजर यहाँ प्लेस करूंगा और इसे डिस्टेंस दूंगा कॉपी करते हुए मिनिमम 2400 का डिस्टेंस, ऐसे 2400 का डिस्टेंस आप यहाँ पर दे. ठीक, और एक डिफ्यूजर आप इसे भी और ले लें कॉपी करते हुए, इसे भी आप डिस्टेंस देते हैं. ठीक है, और सेम है आप डिफ्यूजर्स को क्लिक करें अब मिरर कर दें. एम आई एंटर बेस पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट क्लिक हेयर और एंटर मिरर. अब इस रूम में जितने भी हैं डिफ्यूजर्स वो आपके नजर आ रहे हैं, वो सप्लाई डिफ्यूजर्स हैं. लेकिन यहाँ पे मुझे रिटर्न डिफ्यूजर्स भी बनाने होंगे. तो मैं क्या करूंगा,
for the return diffuser, you can make again same process. You can control V. आप सेम प्रोसेस के साथ भी उसे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस ब्लॉक को ही डायरेक्ट रिटर्न डिफ्यूजर में चेंज करना चाहता हूं, तो यू कैन. फर्स्टली सेलेक्ट द ब्लॉक एंड एक्स एंटर फॉर द एक्सप्लोड, ये ब्रेक कर दें आप इस ब्लॉक को. देन डिलीट ऑल द एरो मार्क and select the arrow, shift here. This is the return symbol. And again array command AR enter, polar, click here and I enter, 4 enter. This is the return diffuser. ठीक है, और then select all the diffusers layers and change the layer, select return layer diffusers and again create the block, B enter, R dot A diffuser and then pick point, click here and okay. तो ये तरीका हुआ आप बिना रिटर्न डिफ्यूजर दोबारा से क्रिएट किए हुए किया नहीं आपने, आप क्या किया डायरेक्ट उसमें ही थोड़ी सी चेंजेस किया और फिर से ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया. तो अब पोजीशन डिसाइड करना है, नेक्स्ट स्टेप कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ द रिटर्न एयर. देन दिस इज द सप्लायर, रिटर्न एयर सप्लायर. Okay, supplier, return air, this, yeah, control, copy, paste point and first select return, then return or then return. This is a supply diffuser, return diffuser. Supply diffuser, return, so three supply diffusers and three return diffusers, and then select supply diffuser block and delete, select and delete. The next step is hum create karenge HU ya FCU. तो हमें यहाँ पर एच यू लगाना है, तो एच यू की पोजीशन क्या होगी वो भी डिसाइड कर लेते हैं. थोड़ा इन सब को हम शिफ्ट कर देते हैं 600 के करीब. सॉरी, बिकॉज यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही है एच यू के प्लेसमेंट के लिए, थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ. सिलेक्ट एंड क्लिक 600. ठीक है, एंड देन सिलेक्ट द एच यू लेयर. फॉर द एच यू, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एच यू, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एच यू का डायमेंशन क्या है, साइज क्या है, क्योंकि हम हियर वी रिक्वायर्ड 12,000 या 11,000 CFM का एच यू रिक्वायर्ड है हमें. तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि हमें क्या साइज लेना है, तो ये हमें प्रोवाइड होता है मैन्युफैक्चरर से. ठीक है, द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड अस द साइज ऑफ एच यू. But here we have no GA drawing, general arrangement drawing. तो हम randomly ही direct किसी size को create कर दे रहे हैं. मुझे पता है कि 12,000 CFM के लिए size क्या होना चाहिए,
बट अगर आपको नहीं पता है, इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एच यू, देन यू हैव टू, आपको मांगना पड़ेगा कि मुझे एच यू का साइज प्रोवाइड किया जाए, किससे? मैन्युफैक्चरर से, क्लाइंट से, ठीक है? तो फर्स्टली वी विल क्रिएट एच यू फॉर द रेक्टेंगल, यूज ऑफ रेक्टेंगल, एंड देन आर ई सी एंटर एट द रेट, फर्स्ट डायमेंशन इज 16,000, R E C enter at the rate 15,900. This is the rectangle box, and create the connector, HU connector for the duct connection. So, click midpoint and 100. और मिरर मिरर 300 सॉरी 300 एंड देन 300, ये कनेक्टर है एच यू, जिसे आप कह सकते हैं एच यू मॉट, एंड इसके बाद हमें बनाना होगा एक फ्लेक्सिबल कनेक्टर, जिसे हम कैनवास क्लॉथ भी कहते हैं, जो कि हमें एच यू और डक्ट के बीच कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन. तो सिलेक्ट and stretch 20 mm, and then stretch here 20 mm, offset 50 mm, sorry 20 mm, and then click point and click here and click here and click here. Select mirror base point and then click here and then trim. And this line will be deleted. Okay. And here we will use the text command, DT enter, and press, click, and what is the text height? Then we will now we put the value of 300 and then enter the angle AHU. Enter. Select HU text and control one, use control one for the resizing
of the text. Here is showing the height of text 300, then 150 value. Select again and press here and then copy. Twelve thousand PSM. At the rate 3 year. Select again and change the size 120. Match property. Select the all AHU drawings and convert into the block. B enter AHU 1200 CFM at the rate 3 PR. Pick point, select object, all right, enter. Okay, the block is created. Select and place here and rotate command, RO enter, click here and then rotate, click and press here. This is the position of AHU. अब हम यहां से कनेक्ट करेंगे डक्ट को. फर्स्टली वी सिलेक्ट द लेयर ऑफ सप्लायर डक्ट एंड प्रेस पॉलीलाइन पीएल एंटर एंड देन रैंडमली आप लाइन से कनेक्ट करते हैं. हेलो, सॉरी वो थोड़ा डिसकनेक्ट हो गया था अभी, नेटवर्क इशू. ओके देन एंड क्लिक द लाइन एंड सिलेक्ट सिलेक्ट हियर सिलेक्ट एंड कनेक्ट हियर एंड click and connect here. This is the line, single line. Now we will create the double line diagram. So
फर्स्टली वी कैलकुलेटेड फॉर द कैलकुलेट द साइज फॉर द दिस पोर्शन, इस पोर्शन का हम साइज कैलकुलेट करेंगे, देन दिस पोर्शन के साइज को कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड CFM है वो है 1200. तो 1200 के हिसाब से आपको डक्ट, आपके पास डक्ट साइजर होना चाहिए फॉर द डक्ट कैलकुलेशन के लिए, डक्ट साइज कैलकुलेशन के लिए. तो मैं यहाँ आप ओपन कर दे रहा हूँ. This is the duct sizer. इससे आप duct size को calculate कर सकते हैं. Firstly, we will put the value of CFM, 12,000 CFM, and then you can put the value of head loss या or you can put the value of velocity. दोनों में से कोई एक आपको पता होगा. डक साइजिंग मेथड आपने पढ़ा होगा, अगर इस सेशन में जो डिजाइनिंग सेशन है उसमें अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अभी इसके पैरामीटर्स को डिस्कस तो मैं नहीं कर पाता कहूंगा. तो आप सिर्फ इसे देख लें कि इस तरीके से जो ऑफिस पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं नॉर्मल बेडरूम्स के लिए, फॉर द ऑफिस एंड बैंक एरिया, इन सब के लिए हम कितने फ्लोर रेट पे और कितने हेड लॉस पे हम डिजाइन करते हैं. तो नॉर्मली वी हैव दिस CFM, अभी यहाँ पे 1200 CFM एंड देन हेड लॉस वैल्यू 0.085 या यू कैन पुट द वैल्यू 0.09, लेस देन यहाँ पर 0.1 से हेड लॉस की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए इन दिस केस. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ डक्ट, यहाँ इन दो साइज में इस वैल्यू और देन इस वैल्यू में हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमारी हाइट क्या होने वाली है डक्ट की. तो यहाँ पे मैं हाइट को 10 inch दे रहा हूँ, तो 20 inch हमारा विड्थ आ रहा है कैलकुलेट करके. दिस इज द हाइट वैल्यू एंड दिस इज द विड्थ वैल्यू. तो नाउ वी विल गो टू अगेन द लेआउट. अब इस लेआउट पे हमें, क्योंकि हमारा ये प्लान व्यू है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लान व्यू में जब टॉप व्यू होता है तो वहां पर हाइट सिर्फ दिखाई जाती है, जब आपको मेजरमेंट की बात आए तो सिर्फ चौड़ाई ही दिखती है, विड्थ नजर आता है. तो इन द प्लान व्यू वी कांट मेजर द हाइट, ऑलवेज मेजर द विड्थ. तो सिलेक्ट विड्थ, व्हाट इज द विड्थ वैल्यू, 20 इंच. तो इंच को एमएम में आप कन्वर्ट कर ले तो 20 into 2.5 कर दे उसे, तो आपका ये 20 इंच का मतलब हो जाता है 500. ऑफसेट वैल्यू ओ एंटर 250, देन क्लिक हेयर एंड देन क्लिक हेयर, टोटल डिस्टेंस डी आई एंटर एंड देन मेजर 500. तो ये डिस्टेंस हमारा 500 हुआ. अब यहां पर मुझे इससे कनेक्ट करना है डिफ्यूजर का साइज. तो डिफ्यूजर का साइज, डिफ्यूजर में इक्वल डिफ्यूजर, 3 डिफ्यूजर्स हैं हमारे पास और 1200 CFM है, तो 400 पर डिफ्यूजर. देन 400 के लिए, फॉर द 400, तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ब्रांचेस, देन go again, go to the duct sizer and select here
and click the value of 400 CFM and then branch. So for the branch size, we will use velocity method and select 600 CFM and then branch height. Here we will select the size of 6 inch height and then 19 inch for the width. So then select here. Width के लिए आपको यहाँ पर 19 इंच को 20 ही माने आप, 20 का मतलब वही 500, तो then यहाँ से आप इधर क्रिएट करें और then ये इधर क्रिएट करें और इस लाइंस को आप थोड़ा आगे एक्सटेंच कर दें और इस लाइन से आप यहाँ आप एक लाइन और ड्रॉ करें और कमांड यूज करें EX एंटर सिलेक्ट हेयर and select here, trim enter, and अब हम यहाँ पर एक shoe collar create करेंगे. Line create किया 150 mm का एक shoe collar. और यहाँ पर then trim थोड़ा सा हम इसे shift कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है और इस वाले lines को यहाँ पे इससे और इससे create कर देते हैं. अगर हमें यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी इसकी तो हम इसे और शिफ्ट करना पड़ेगा इस डिफ्यूजर्स को, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता होता है कि हम यहाँ से ब्रांच निकालें. अगर यहाँ से मुझे जगह नहीं मिल रही है तो फिर हमारे पास जरूरत ये होगा, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी देखें ये हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो बहुत कम है. प्रोड्यूसर जो लगा है वो सिर्फ 183 का होता है जो कि इतना नहीं होता, यहाँ पर मिनिमम 300 का तो होना चाहिए रिड्यूसर साइज, तो उस वजह से हमें यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है और डिफ्यूजर की प्लेसमेंट भी यही होनी है. तो इस जगह पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक साइज इधर से निकाल लेंगे, इस तरफ से हम एक ऑफसेट वैल्यू नॉर्मल, अभी हमारा जो साइज है वो 6 इंच जो है यानी 150 mm हाइट है एंड देन विड्थ 500 है. तो यहाँ पर हम फिर से अगेन डिफ्यूजर्स कैलकुलेशन पे जाएंगे और 6 को हम यहाँ पर 8 करेंगे और यहाँ पर 12 mm के करीब, यानी 13 है तो उसको 12 mm के राउंड ऑफ आप ले सकते हैं फिगर को फॉर द विड्थ. तो ऑफसेट 12 mm का मतलब होता है 300 mm. ऑफसेट 300 यहाँ देन क्लिक हेयर फॉर द शू कॉलर 100 ट्रिम एंड देन डिलीट दिस पोर्शन. फिर अगेन यू कैन सेलेक्ट, इफ यू वांट टू मेक एल्बो देन यू आप इसको डायरेक्ट भी यहां से बेंड कर सकते हैं, लेकिन एल्बो के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस है या नहीं, क्योंकि अब यही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा चाहिए इस बात को मुझे समझाने के लिए कि कहाँ पर फिटिंग लग सकती है कहाँ पर फिटिंग नहीं लग रही है, क्योंकि ये ऑटो कैड है और
ऑटोकैड में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये साइट पे एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, वो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लाइन से उसे बना तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो फिटिंग आपने बनाई है वो फिटिंग वहां पर तैयार ना हो पाए एग्जीक्यूशन में। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखेंगे तो दिस ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये एक्सपीरियंस पे काम होता है, अगर आपने पहले थोड़ा और काम किया होगा या थोड़ा टाइम देकर इसे सीखा है, ड्राफ्टिंग को 2-3 महीने में आपने इसको सीखा है, क्योंकि एकदम से ये चीजें समझ में तो आ जाती हैं लेकिन प्रैक्टिस पे ही ये चीजें आगे आपको थोड़ा फायदा पहुंचा सकती। तो प्लीज इसमें 1 घंटे में तो आपका ये कवर पूरा पोर्शन नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें कवर करूं। अब आप ब्रांच यहां से निकालते हैं, ठीक है, सेम ब्रांच जो आपने यहां से निकाला था, तो अब ये चीज मैंने यहां से यूज कर दिया। अब इसमें इसका साइज जो है मैंने हाइट पे 200 रखा है। अब साथ साथ आप पैरेलल हाइट भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं फॉर द टेक्स्ट यूज कर देता हूं, DT एंटर, क्लिक हेयर 100 mm, एंटर, और SAD सप्लायर डक्ट, और इसका साइज जो है यहाँ पे 500 by 250, एंटर, ये इस साइज यहाँ पर ये साइज है इसका, ये मैंने प्लेस कर दिया, सिलेक्ट एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन रोटेट RO एंटर 90 degree, देन सिलेक्ट हेयर, और इसका साइज जो है यहाँ पर मैंने 300 by इतना रखा है। और यहाँ से आपका जो यू कैन मेंशन द CFM, देन 12,000 CFM, एंड सिलेक्ट हेयर कंट्रोल सी कंट्रोल वी और RO एंटर 90 degree, प्लस हेयर, एंड देन आप इसे जिस तरह से मैंने पहला कनेक्ट किया आप इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से शू कॉलर निकाल के। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि अगर मैं यहाँ पर एल्बो बनाना चाहूँ तो क्या होगा, तो एल्बो बनाना चाहते हैं तो इसे सेम साइज पे ही लेके चले। एल्बो के लिए फॉर द एल्बो डिस्टेंस एंटर DI एंटर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 500, देन इसका भी साइज 500 ही होना चाहिए। तो देन ऑफसेट वैल्यू, यूज ऑफसेट एंड देन 500 वैल्यू, एंटर, एंड देन EX एंटर, एंड नाउ वी यूज द कमांड फ्लिट कमांड फॉर द आर पोर्शन, F एंटर, R एंटर और 150 वैल्यू फॉर द रेडियस, सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड देन ऑफसेट 500 दिस आर्क एंड देन क्लिक हेयर TR एंटर एंड ट्रिम हेयर एंड ट्रिम हेयर and select or and match property for the same layer. अब इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं कि एल्बो के साथ हमने ब्रांच निकाला, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, पहला वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस ब्रांच को, मैंने क्या किया था, ब्रांच की हाइट ज्यादा रखी थी क्योंकि उसमें से एक
कॉलर मुझे निकालना था। हमेशा एक बात याद रखें, ब्रांच में जो कॉलर निकलता है मेन डक, कोई भी डक चल रही है उसमें से आप अगर कॉलर्स निकालना चाहें तो कॉलर का साइज हमेशा कम होगा और जो डक मेन डक जा रही है उसका साइज ज्यादा होगा, मतलब उसकी हाइट ज्यादा होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अब सेलेक्ट इसे रोटेट कर दें और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसी तरह आप यहां यूज कर सकते हैं उसी चीज को, ऑफसेट देन सेम कंडीशन। क्लिक हियर एंड हियर, सिलेक्ट द सप्लायर डक्ट लेयर एंड एक्सटेंड एंटर, सिलेक्ट एंड देन एंटर, ट्रिम इसे आप ट्रिम कर दें एंड देन मैच प्रॉपर्टी सिलेक्ट एंड सिलेक्ट एंड फिर हमें क्या क्रिएट करना है, शू कॉलर सिलेक्ट एंड ऑफसेट एंटर 100 इस एंगल को उस तरफ ही बनाना है जिधर से फ्लो है, फ्लो की तरफ ही आप एंगल को टिल्ट करोगे लाइन को हल्का सा, सेलेक्ट एंड देन दिस वन इज द ब्रांच विथ एल्बो एंड दिस वन इज विदाउट एल्बो। अब सपोज मुझे यहाँ पर मान लिया कि मुझे अब दो के बाद मुझे यहाँ लास्ट आ रहा है, मुझे साइज रिड्यूस करना है, मैं यहाँ भी साइज रिड्यूस कर सकता था लेकिन फाइनली साइज मैं यहाँ रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो ये आप इस टेक्स्ट को आप यहाँ से मूव करते हुए थोड़ा इधर रख दें और उसके बाद आप यहाँ से कॉपी क्रिएट कॉपी करें और इसी को आप यहाँ ले आए इस टेक्स्ट को, और फाइनली ये साइज आपका क्या होना चाहिए, तो आप 400 ही बचा ना CFM, 800 तो यहाँ से निकल गया, अब लास्ट जो बचा हमारे पास 400 बचा, और 400 में मुझे ब्रांच 150 का तो मिनिमम ब्रांच चाहिए, तो मैं एक बार फिर से उसी डक्ट साइजर पे जाऊंगा और यहां से हेड लॉस वैल्यू दूंगा, क्योंकि ये मेन ब्रांच मेन ही लाइन चल रही है इसलिए इसमें ब्रांच वेलोसिटी मेथड से हम यूज नहीं करेंगे, और 400 एंड देन हेड लॉस 0.09 और इसमें आप अगर हाइट को 10 ही रखते हैं तो इसकी हाइट अगर रेगुलर आप लगाना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई 8 हो जाएगी, और हाइट में भी कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं 8 करना चाहते हैं तो फिर विड्थ इसकी 10 हो जाएगी, तो ये डिसाइड आप करोगे, मैं इसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, मैं इससे 10 रहना चाह रहा हूँ, विड्थ 8 हो जाएगी, कोई बात नहीं। ऑफसेट वैल्यू एंटर करें, 600 mm का रिड्यूसर का लेंथ बनाए और अभी आपके टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पर 500 है, और देन आफ्टर द रिड्यूसर योर साइज विल बी चेंज सिक्स हंड्रेड का हमने यहाँ पर ऑफसेट लिया है, ठीक है, रिड्यूसर फॉर द रिड्यूसर लेंथ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और देन साइज विल बी रिड्यूस आप बाई 200-300 आपकी साइज कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो साइज है वो 500 है, आगे जो साइज जा रहा है वो आपका 300-200 बचेगा, तो ये साइज अब मेरा जो होगा वो 200 होगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, तो इसे आप उसके बाद आप यहाँ से ऑफसेट, अब
बात आती है कि आप यू वांट वन साइड रिड्यूसर, क्रिएट द वन साइड रिड्यूसर या और टू साइड रिड्यूसर। तो मैं दोनों ही बना के दिखा देता हूँ। ऑफसेट अगर मुझे रिक्वायर्ड है वन साइड रिड्यूसर, तो मैं डायरेक्ट 300 का ऑफसेट मारूंगा इस साइड से या इस साइड से, आपकी मर्जी। और फिर डायरेक्ट यहां से बेंड लगेगा ये, और ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ये आप वन साइड रिड्यूसर हो गया। अगर मुझे वी वांट टू क्रिएट टू साइड रिड्यूसर, देन बैक एंड ऑफसेट वैल्यू 300 का डिस्टेंस है तो 150 वन साइड एंड 150 वन साइड, देन क्लिक हेयर टू हेयर एंड क्लिक हेयर टू हेयर, सेलेक्ट एंड ट्रिम ट्रिम ट्रिम। लाइन ट्रिम कर दें आप, तो ये आपका हो गया टू साइड रिड्यूसर। अब यहाँ पे आपको वैसा ही बनाना है जो आपने यहाँ पे बनाया, तो सेम कंडीशन में आप यहाँ भी ब्रांच निकालेंगे, सिर्फ इसका सीएफएम और साइज यहाँ पर आप सीएफएम को थोड़ा ऊपर कर दें, साइज को आप सिलेक्ट करके मिडिल रेंज एंड देन क्लिक हियर एंड फाइनली क्लोज। इस तरीका से हम यहाँ पर डक्टिंग करेंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। अब ये वाला मुझे यहाँ से और ऊपर करने हैं। यहाँ से मैंने एक लाइन लिया और लेकर मुझे मिनिमम कम से कम 500 का डिस्टेंस लेके चलना है, तो एक ऑफसेट मैंने इस लाइन पे 500 पे दे दिया और इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया, इस लाइन एंड कनेक्ट हेयर टू हेयर, और ये देन ट्रिम एंटर सेलेक्ट सेलेक्ट। इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करते हैं। अब मैं आपको ड्राफ्टिंग के कुछ और भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर यही चीज आपकी सेम ऑप्शंस यहाँ पे होते और मुझे यहाँ पर ब्रांचेस ना लगा के ग्रिल लगाना होता, तो अगर मेरे पास कंटिन्यूअस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती कि मुझे यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रिल चाहिए, तो मुझे क्या करना होता। तो एक्सक्यूज मी सर, जी बताएं। सर ये क्वेरीज पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, कैसे डिजाइन किया सर हमने ये? कौन सा अभी सर? डक्ट साइज जो हम डिजाइन कर रहे थे, डक्ट साइज। जी जी जी, मैं कोई कौन से सॉफ्टवेयर से सर हम वो डिसाइड कर रहे थे? ये मैकवे का सॉफ्टवेयर है, दो एक और सॉफ्टवेयर भी चलता है, यूज होता है कंपनियों में, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो मैकवे सॉफ्टवेयर यूज होता है। ये आपको डायरेक्ट ये मोबाइल पे भी, आप मोबाइल पे तो मैकवे के से नाम से नहीं होता, लेकिन मोबाइल में भी आप ऐप में गूगल इस पे प्ले स्टोर पे जाकर ना डक साइजर या डक कैलकुलेटर आप डालेंगे ना, तो उसमें आ जाता है, सेम चीज होता है, लेकिन नाम जो है कंपनी का अलग होगा वहां पर। और यहाँ पे ये लैपटॉप पे हम लोग जो यूज करते हैं वो मैकवे का यूज करते हैं। सर ये कैलकुलेशंस कैसे हमने की कि 400 CFM यहाँ जाएगा, उसके बाद 400 CFM वहाँ, और हाँ, तो यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अभी क्या है कि पहली बात तो आपको ये चीजें तो पता चल गई कि ये जो टोटल CFM रूम का किस तरह से आता है ये तो पता है। सर कैसे आपने टोटल एरिया से कैलकुलेट किया, बट वो फॉर्मूला सर याद समझ नहीं आया कैसे? तो वो थंब रूल है, मैं आपसे पहले बताया कि यहाँ पर हर जगह थंब रूल यूज नहीं होता। जब आप कंपनियों में काम करते हो और आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है
और आपका क्लाइंट है जो कि मांग रहा है कि एक ईच एंड एवरी थिंग शुड बी रिटन, तो वहां पर आपके लिए होना चाहिए कि सारा चीज डॉक्यूमेंट पे है। तो वो अगर हैप पे मांग रहा है तो आपको हैप आना चाहिए, अगर वो E20 एक्सेल शीट पे मांग रहा है तो एक्सेल फॉर्मेट का हीट लोड कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। और ये है, ये उस वक्त के लिए काम करते हैं जहां पर हम लोग शुरू में क्लाइंट को कुछ बजट पास कर बजट बताना होता है, या फिर रैंडम अप्रूवल के लिए हम लोग कभी कैलकुलेट करते हैं जहां पर क्लाइंट को डॉक्यूमेंट नहीं देना है। तो इस जगह पर फिर हम लोग ये थंब रूल का यूज करते हैं कि एरिया, जो भी एरिया है, टोटल एरिया स्क्वायर फिट है, उसे हम 3 से या 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतना हमें जो आएगा वो CFM कैलकुलेट हो जाता है। जो भी एरिया स्क्वायर फीट में हमारा आया उसे मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 400 टू फाइंड द TR, यानी TR लोड के लिए हम डिवाइड कर देते हैं उसको भी, जो भी हमारा CFM आया उसे हम 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो TR वैल्यू आ जाता है। ठीक है, ओके सर। सर ये जो हमने डिफ्यूजर्स अरेंज किए हैं, हाँ, इनके नंबर ऑफ डिफ्यूजर और लोकेशन ऑफ डिफ्यूजर हम कैसे डिसाइड करेंगे सर? नंबर्स ऑफ डिफ्यूजर्स तो सामने देखिए नजर आ जाता है कि इतने बड़े एरिया में आपको मिनिमम, जैसे अगर आपको यहाँ पर छोटे हो सकता था किसी वजह से, कभी आगे जाएंगे आपको तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई जगह है यहाँ पर, 4 ही डिफ्यूजर लगाने की जगह ही है और आप लगा ही नहीं सकते किसी वजह से भी, वो वजह कोई भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है, वहां पर कोई फिक्चर्स आ रहा है, कोई लाइटिंग आ रही है, कोई मतलब वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े बड़े लाइट्स और वो कुछ को क्या कहते हैं वो, जैसे आप डॉन लाइटर लगाते हैं लोग, तो जिसमें वहां पर आपके पास अगर जगह नहीं बचता है तो आपको ये बताया गया कि यहाँ पर आप 4 डिफ्यूजर से ज्यादा नहीं लगा सकते, तो वहां पर आपको डिफ्यूजर से पर CFM के हिसाब से, जैसे मैंने 400 से 3 को डिवाइड किया था, आप 1200 को 2 यानी 600 CFM पर डिफ्यूजर लोगे। ठीक है, लेकिन आप पहले बार आपको जब पता है, आपको मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो जगह है, पहली बात जान लो ये चीज। हाँ हेलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफ्यूजर सर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू मेंटेन? मिनिमम डिस्टेंस 2400 वहां पर आपके पास स्पेस होना चाहिए। ठीक है ना, अगर स्पेस नहीं है तो हम और भी कम आ सकते हैं, 1800 भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके Any questions? No, अभी मैं आप लोग ये लेआउट जो है बेस वाला जिसपे हम ड्रॉइंग कर रहे हैं सर, ये मतलब ये तो बना हुआ मिलेगा या हमें ये भी ड्रॉ करना नहीं, है सर? नहीं नहीं, आपको ये बना हुआ मिले, ये आर्किटेक्चरल लेआउट कहलाता है, हमें सर्विस बना देना होता है। सर्विस में हमारे पास 3 सर्विस आती हैं, एक प्लम्बिंग, फायर, HVAC और इलेक्ट्रिकल। अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो HVAC का कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, ठीक है, तो इसमें 2 सर्विसेज और जाएंगी, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पे काम करेंगे, प्लम्बिंग वाले प्लम्बिंग के लिए काम करेंगे। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर टॉयलेट, सर मेन डक्ट वी आर कंसीडरिंग द एडलॉस सर, ऑल ब्रांच डक्ट वी आर कंसीडरिंग द दैट ऑल वेलोसिटी और दैट आल्सो फ्रिक्शन और एडलॉस सर। द बेस्ट मेथड इज द फ्रिक्शन मेथड, but you can actually, also main, huh? no main duct we are maintaining, we are considering head loss based on that we are main duct yeah, but the starting point, mostly the starting point you consider the velocity method, after okay. that all the ducts will reduced by the method of use the method of head loss friction method and friction branches method. जो ब्रांच ब्रांच जो यूज होगा वो जो आपके वो वेलोसिटी मेथड से यूज करें तो ज्यादा बेटर। ठीक सर, एक्चुअली फॉर दैट एनी फॉर द डिफ्यूजर वी आर गोइंग टू अगेन वेलोसिटी मेथड ओनली, वी आर मेंटेनिंग 500 fpm ईच वेलोसिटी डिफ्यूजर। या बिल्कुल, ओके बिल्कुल।
सर हमें टोटल सीएफएन निकालने का थंब रूल का फॉर्मूला बता दे सर। नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ जो थंब रूल फॉर्मूला है, जो इस कंडीशन में जो होता है। देखिए हर जगह का अलग होता है, मैं सबके लिए तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेसिकली जो हर जगह यूज हो जाए, जैसे फॉर द इसे नोट कर लें, टोटल स्क्वायर फीट एरिया डिवाइडेड इनटू थ्री मल्टीप्लाई बाय टोटल स्क्वायर फीट एरिया मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल टू टोटल सीएफएम। ये आपका टोटल सीएफएम आ गया, टोटल स्क्वायर फीट एरिया इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, हाँ मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये सीएफएम आ गया। एंड देन सीएफएम डिवाइडेड बाय 400 इक्वल टू टीआर। दिस इज द थंब रूल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके तो ये एक बेसिक है आपको, ये मैं जो मैंने आज बताया है, ये दिस इज द बेसिक लेआउट। जबकि आप जब काम करेंगे तो बहुत सी चीजें बदलेंगी, बहुत से रूट्स बदलेंगे, बहुत से ग्रिल्स पोर्शन आज यहाँ पे। ये तो नॉर्मल मैंने डिफ्यूजर फॉर द डिफ्यूजर पर्पस के लिए मैंने अभी बताया है, लेकिन अगर जहां पर मुझे ग्रिल्स लगाना है वहां पर मैं क्या करूंगा, तो ग्रिल्स लगाने के लिए फिर वो डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग बनेंगी, वहां पर कैलकुलेशन थोड़े से बदलेंगे, स्लॉट डिफ्यूजर में दूसरे बदलेंगे, जहां पर वर्टिकल एचयू है वहां पर प्लेनम साइज आएगा, फिर इसमें चिल वाटर लाइन आएगी। मैं चिल वाटर की आपको सिर्फ ड्राइंग दिखा देता हूँ सिर्फ फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर वर्क करूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा वो फॉर द रैबिट एमएपी, रैबिट एमएपी के लिए है नेक्स्ट सीजन, यानी आज वेडनेसडे है, हाँ कल ही है, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर रैबिट एमएपी डिफरेंस बिटवीन ऑटोकैड और रैबिट एमएपी, क्या यूज इंडस्ट्री में ऑटोकैड पे क्यों काम हो रहा है, और इंडस्ट्री में अब जो ज्यादा एमएनसी कंपनी है वो रैबिट एमएपी पे क्यों भाग रही है, क्यों स्विच हो रही है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो अभी मैं एक ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको, एक चिलर लेआउट वो आपको समझ में आ जाए। देखिए ये सिर्फ आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, हालांकि इसे बताने और बनाने में काफी टाइम लगेगा और इसकी ड्राफ्टिंग स्किल भी सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सपोर्ट कर दे रहा हूँ इसके लिए कि आप अगर बनाना खुद से चाहें तो आप उसी कमांड के जरिए बना सकते हैं। तो देखें यहाँ पर अभी इस तरह से हमें डिटेल ड्राइंग बनानी होती है। अभी क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 225 TR screw type water cooled chiller, 2 working plus 1 standby. Here is the 3 chillers, 2 working and 1 standby. ठीक है? This is the layout for the condenser water pump and this is the chill water primary pump.
अब बेसिकली यहाँ पर दो तरह के पंप यूज होते हैं, प्राइमरी पंप भी यूज होते हैं, सेकेंडरी पंप भी यूज होते हैं, मगर उसके फिर आपको वजह रीजन अलग होते हैं, डिफरेंट रीजन कहाँ पर आपके प्राइमरी पंप्स यूज हो रहे हैं और कहाँ पर सेकेंडरी पंप्स यूज हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो यूज किया गया है प्राइमरी पंप्स यूज किया गया है फॉर द चिल्ड वाटर सप्लाई, और यहाँ यूज किया गया है कंडेंसर वाटर पंप फॉर द कंडेंसर वाटर सप्लाई के लिए। कंडेंसर वाटर सप्लाई मतलब हो गया कूलिंग टावर की तरफ से जो पानी आ रही है, यहाँ से देखिए द फ्लो, हियर इज द फ्लो एरो सिंबल ब्लू लाइन एंड देन सक्शन लाइन फॉर द एंड टॉप लाइन है फॉर द डिस्चार्ज, फ्रंट इज द सक्शन एंड टॉप इज द डिस्चार्ज एंड देन डिस्चार्ज लाइन एंड देन सप्लाई ऑफ द चिलर। तो ये इस तरह से सप्लाई कर, यहाँ पर इसकी पूरी आपको स्केमेटिक ड्राइंग समझनी होगी, क्योंकि ये आसान, मैं अभी आपको बता भी दूंगा तो आप कंफ्यूज होगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो डिजाइन किया जाता है कि आपको किस तरीके का चिलर चाहिए, और या तो एयर कूल्ड चिलर लगा रहे हैं तो कहाँ पर लगाना है, वाटर कूल्ड चिलर है तो इन दोनों के सिलेक्शन किस बेस पे किए जाते हैं, उसके बाद कहाँ पर कौन से पंप यूज करने हैं, सेकेंडरी पंप यूज करने हैं तो कहाँ करने हैं, प्राइमरी पंप यूज करने हैं तो कहाँ करने हैं। अब देखिए इस चीज को यहाँ पर सेक्शन लाइन दिया गया है, B2B सेक्शन लाइन, इस तरीके से सेक्शन लाइन बनाकर सेक्शन, इसका बी सेक्शन आप देखें यहाँ पर क्रिएट किया गया है B2B सेक्शन, BB सेक्शन। अब इसी सेक्शन को साइड से दिखाया गया है कि जो के अगर पाइप, जहां पर पाइप के नीचे पाइप चल रहा है तो वो चीजें पता नहीं चल पाती है एग्जैक्ट। अब जैसे ये इसकी वर्टिकल लाइन आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या लगा है इसमें और इसमें कौन कौन से एसेसरीज लगे हैं। जहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस ड्राइंग की बात करूं, तो इस लाइन में आपको ये वाले पॉइंट पे, ये जो मेन लाइन जा रही है वो कितने ऊपर हाइट पे है ये दिख नहीं रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये सेक्शन काट के दिखाया जाता है कि असल में जो मेन लाइन है वो यहाँ पे है, यहाँ ये चीज ऐसे आकर इस तरीके से सप्लाई हो रही है। यहाँ पर एरो दिया गया है, इसका मतलब है ये आगे जा रही है, सप्लाई हो रही है, यही एरो रिटर्न की तरफ आती है मतलब चिलर में इन हो रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि सप्लाई वाटर है या रिटर्न वाटर है। और सप्लाई में भी कौन सा है, चिल वाटर सप्लाई है या रिटर्न वाटर सप्लाई है, चिल वाटर रिटर्न है या कंडेंसर वाटर सप्लाई है या कंडेंसर वाटर रिटर्न है। अब इन सबको, हर चीज को पहले डिजाइन कराने से पहले ना आपको बताया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन चिल वाटर सिस्टम एंड द कंडेंसर वाटर सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज ही आपको डिजाइन में पढ़ाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं यहाँ पर। अब देखें तो थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ भी ले चलता हूँ, जैसे ये एक लेआउट है मेरे पास छोटा सा, इस रूम में मैंने यहाँ पर हेयर और एचयू 25,100 CFM का एचयू लगा है। यहाँ पे क्या है, इससे पहले मैंने जो बताया था आपको डिफ्यूजर दिखाए थे, ये देखिए ग्रिल्स हैं, तो ग्रिल्स के लिए इस तरीके से ग्रिल्स लगाते हैं, और साइजिंग आप इस तरीके से साइजिंग करते हैं, साइजिंग तो मैंने दिखा दिया। ये यहाँ पर प्लेनम है, अब प्लेनम क्यों लगा यहाँ पर, प्लेनम इसलिए लगा वहां पर, डक्ट डायरेक्ट मैंने निकाला था, प्लेनम नहीं लगाया था अभी जो मैं ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ, क्योंकि एचयू के अंदर दो कनेक्टर है, वहां हमने जो बताया था सिर्फ सिंगल कनेक्टर था। अब डबल कनेक्टर को, क्योंकि डबल कनेक्टर इसलिए होता है कि एचयू के अंदर जब यहाँ पर एचयू यूज जो किया जा रहा है वो डबल ब्लोअर यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डबल कनेक्टर भी यूज किया गया है। डबल कनेक्टर के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्लेनम बॉक्स का, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल कनेक्टर से सिंगल डक्ट तो निकल जाएगी, डबल कनेक्टर से आपके डक्ट नहीं निकल पाएगी, इसलिए एक बॉक्स को यूज किया जाता है, ये द प्लेनम, प्लेनम इट इज द टाइप ऑफ जंक्शन बॉक्स। और देन दिस इज द ग्रिल, ग्रिल का साइज यहाँ पर डिटेल किया गया है, 10 ग्रिल हैं, 400 by 150 सप्लायर ग्रिल, और ईच CFM 250 CFM, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सेक्शन काटा है,
क्योंकि अभी इसकी अगर कोई हमसे हाइट मांग ले कि ये प्लेनम कितने नीचे जा रही है और कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो इस जगह पर मैंने एक सेक्शन काटा है, सेक्शन को दिखाया है यहाँ पे, सेक्शन ए पे, कि इस तरह से यहाँ पर हमें ये वाला जो फाउंडेशन है यहाँ पर आर्किटेक्चर से मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिखाना होगा कि आपका एच यू कितने ऊपर हैंग है, बॉटम ऑफ एच यू क्या है, व्हाट इज द बॉटम ऑफ एच यू, व्हाट इज द प्लेन बॉटम ऑफ प्लेनम, व्हाट इज द बॉटम ऑफ डक्ट, ये सारी चीजें दिखानी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। सर, ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, जो बड़ी वाली ड्राइंग है? हाँ, रीड करने के लिए भी एक गाइड किया जाता है। रीड देखिए, मैं आपको ये बता दूं, रीड जैसे मैं इसकी, इसको तो आप समझ गए ना, ये लेआउट रीड कैसे करेंगे। जब भी कभी भी आपके पास कोई ऑप्शन, जैसे आप दो तरीके से रीड किया जाता है, पहले इंटरनली डेप्थ के पोर्शन को रीड करना है, तो आप जब भी रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर एक रूम है, एक स्पेस है हमारे पास, उस स्पेस में कोई एक यूनिट लगा हुआ है, तो उसको देखेंगे कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है। रीड करने से पहले आप उसके कनेक्टर कनेक्शन पॉइंट को देखेंगे, बाद में हम उसके साइज को रीड करेंगे और बाद में हम उसके वो क्या कहते हैं कनेक्टर को रीड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि वो कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, वो डक्ट चल के कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है, स्टार्टिंग ठीक है ना, कहाँ से हो रही है और एंडिंग कहाँ तक हो रही है। तो ये अगर हमें नजर आ जाता है तो वो आप इजिली उसको समझ जाओगे। वरना अगर मैं कहूँ यही लेआउट यहाँ पर, अगर मैं इसी पे पाइप पे आता हूँ, तो पाइप पे आप देखोगे कि इस एरिया को तो आप समझ रहे हो थोड़ा सा, लेकिन ये पाइप आ रही है बाहर से, देख रहे हो है ना, ये देखिए पाइप आपकी यहां से आते हुए पाइप आगे से आ रही है। तो पाइप के लिए फिर आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि पाइप स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ तक कहाँ हो रहा है पाइप का। जैसे कि मैं अभी आपको एक सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा रहा हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं एक आपको डक्ट दिखाऊंगा जरा, कि इस तरह से हम रीड करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें सीखने में, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आप स्टार्ट करेंगे और सीख जाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे इस पे। मैं आपको एक पोर्शन दिखा रहा हूँ जरा, उसमें आप क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, विजिबल है? यस सर। हाँ ओके, तो देखें आप ये देखेंगे कि अभी क्या है, एक डक्ट है हमारी नॉर्मल, आप देख रहे हैं कि ये डक्ट ऊपर से आ रही है, एक डक्ट शाफ्ट में चल रही है और इसी से एक कनेक्ट होकर यहाँ पर फ्रेश एयर डक्ट इतने बाय इतने का फ्रेश एयर डक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब ये डक्ट अगर आप यहाँ पर 2D में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बस एक एरो मार्क करके यहाँ पर लिखना होता है कि ये डक्ट कहाँ से आ रही है, मतलब रूफ से आ रही है, डक्ट का साइज लिखना होता है। सपोज यहाँ पर ये फ्रेश एयर डक्ट है तो आप टाइप करेंगे FAD एंड देन साइज और From and to, या तो वो ये डक्ट आ रही है कहीं से तो from, और जा रही है अगर आपकी डक्ट तो to, वहां पर आप from and to और उस पे आप डाल देंगे जिस फ्लोर से आ रही है। अगर टेरिस पे आ रहा है तो to terrace, टेरिस पे जा रहा है तो सेकंड फ्लोर पे जा रहा है तो to terrace, इस तरह से आप टाइप करेंगे तो वहां पर जो दूसरा बंदा है वो जब रीड करेगा उसको तो वो आसान हो जाती है उसके लिए, वो समझने के लिए कि ये डक्ट कहाँ से आ रही है, क्योंकि लेआउट पे वो चेक नहीं कर पाएगा ना, उसे समझ में नहीं आएगा। आप 3D में यहाँ पर तो देख सकते हैं, ये 3D सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं आपको तो आप इसे इजीली देख सकते हैं। मैं 3D पे आ जाता हूँ जरा, ये देखिए अभी यहाँ पे आपको ये चीजें नजर आ रही है कि यही डक्ट जो है, ये डक्ट टॉप से होते हुए हर फ्लोर पे आ रही है, ये देखिए ये यहां से आते हुए ये नीचे आ रहा है,
नीचे यार, और हर फ्लोर पे ब्रांच निकाला जा रहा है फ्रेश एयर के लिए। इस फ्लोर पे भी निकाला गया, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी निकाला गया, तो 3D पे तो विजुअल हो जाते हैं, लेकिन अगर विजुअलाइज हमें 2D पे करना पड़े, जैसे ऑटो कैड पे ये चीज नहीं होती विजुअलाइज, ये रेविट पे ही होती है पूरी चीजें, सब सारी डक्टिंग वक्टिंग सारी 3D। ऑटो कैड पे जिस तरीके से हम बना रहे हैं, अब ये मैं आपको कल बताऊंगा कि रेविट का यूज क्या है, और थोड़ा सा रीड करने का तरीका भी मैं आपको गाइड कर दूंगा थोड़ा सा, कि किस तरह से रीड करते हैं दूसरे ड्राइंग पे, किसी और ड्राइंग पे मैं आपको रीड कर दूंगा। सर ऑटो कैड आता है, रेविट आता नहीं है, तो फिर मतलब जो साफ अगर बताऊं तो फिर हम ये डिजाइन सीख पाएंगे रेविट का? नहीं, ऑटो कैड क्या आता है? ऑटो कैड ड्राफ्टिंग आती है कि या सिर्फ ऑटो कैड का कमांड आता है? ड्राफ्टिंग तो नहीं, मतलब कमांड्स आती हैं सर। हाँ, तो कमांड्स आती है ना, तो जैसे कमांड्स आती हैं, तो अभी आपको मैंने HVAC ड्राफ्टिंग बताया। अब HVAC ड्राफ्टिंग में आपने ये तो समझ लिया होगा कि डक्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं, डिफ्यूजर बनाते कैसे। यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन फिर अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वर्टिकल HU ड्रॉ कैसे करते हैं, चिलर कैसे ड्रॉ करते हैं, चिलर में आप कहाँ पर पंप लगा के कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको वो सारे यूज जो होंगे वो उसी कमांड के जरिए ही होंगे, वही यूज करना है, लेकिन आपको तरीका पता नहीं होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बनाने में। तो ड्राफ्टिंग ऐसा, आप ये, मैं यही पहले दिन कहा था कि ऑटो कैड जो बेसिक कमांड्स हैं जो वो अलग हैं, और उसको यूज करने का तरीका, अचानक से आपने हमेशा HVAC पे काम किया है और आपको प्लम्बिंग की ड्राइंग बनाने के लिए दे दिया जाए, तो बिल्कुल आपको ड्राफ्टिंग आती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने कभी प्लम्बिंग पे काम ही नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये दोनों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसमें एक्सपीरियंस है आपका, आप वही अच्छा कर सकते हो, नहीं तो फिर दूसरे में आपको फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है अच्छा करने में के लिए। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब रेविट की जो बात आती है, आप मेरे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि आप ऑटो कैड भी सीखें, उसकी ड्राफ्टिंग भी सीखें अच्छे से, और रेविट भी सीखें। रेविट पे नहीं आता ना, तो रेविट आपको सीखना पड़ेगा। रेविट ऑटो कैड की ड्राफ्टिंग आप जल्दी सीख जाएंगे, रेविट थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि रेविट में हर एक पॉइंट आप अगर देखें यहाँ पर, तो ये अलग अलग पॉइंट है, डक्ट के लिए अलग है, डिफ्यूजर्स के लिए अलग है, मैकेनिकल इक्विपमेंट जितने आएंगे वो इस कमांड के थ्रू आएंगे, इस टूल्स के थ्रू, इसकी सारी सेटिंग्स होती हैं, आपको सारी सेटिंग्स क्रिएट करनी होती हैं और बनानी होती है। ये एरर दिखाता है, ऑटो कैड कभी भी एरर नहीं बताता। आप अगर आड़ा टेढ़ा भी उसमें कनेक्ट कर देंगे तो वो बन तो जाएगी, जिसको आता है वो आपको बता देगा, भले ही ये देखो तुमने गलत बनाया, लेकिन ऑटो कैड खुद से नहीं बताएगा कि ये गलत है, उसमें कनेक्शन कि आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, फिटिंग ये लगा रहे हैं तो ये गलत फिटिंग लग गई, ये सारी चीजें उसमें नहीं आती हैं। ठीक है, तो आप रेविट क्या पूछ रहे हैं मुझसे, तो रेविट भी सीखना पड़ेगा। रेविट कम से कम आपको 2 महीने टाइम चाहिए आपको रेविट सीखने के लिए। ठीक है, मैं आपको रेविट के इम्पोर्टेंस के बारे में, रेविट का इम्पोर्टेंस पता है आपको मार्केट में, अभी जानते हैं? नो सर। No. तो पहले आप रेविट करने से पहले रेविट का इम्पोर्टेंस जाने कि अभी मार्केट में रेविट क्यों यूज होने लगा है, आखिर सारे जगह जब ऑटो कैड ही यूज हो रहा है और सेम काम ऑटो कैड पे हो सकता है, तो रेविट पे काम करने के ज्यादा पैसे लगते हैं जो पे किया जाता है रेविट पे, फिर भी पूरी कंपनी रेविट पे स्विच क्यों हो रही है, तो आखिर इसकी वजह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि रेविट का यूज क्या है, ऑटो कैड पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और कितना टाइम लगता है, और रेविट में टाइम सेव होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी 11 बजे से। ठीक है, तो आप लोग कनेक्ट हो जाना। और सर ये फाइल्स वगैरह मतलब कुछ भी अभी तक डेटा मिला नहीं सर मेल के थ्रू, जो स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए था? सब मिल जाएगा, सब स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं आपको कुछ उन्हें बोल दूंगा आगे कि जो मैंने ऑटो कैड अभी पढ़ाया ना आज, ऑटो कैड पढ़ाया तो अलग, लेकिन एक रीड करने के लिए मैं आपको लेआउट दे दूंगा ऑटो कैड का, जिससे आप रीड कर सकते। थैंक यू। ठीक है, यस। चलिए, और रेविट का देने से कोई फायदा नहीं है, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे बिना समझे हुए, कहाँ पर वो ओपन होने में भी प्रॉब्लम लगाता है, उसमें मैनेज करना पड़ता है, तो वो आप रेविट जब सीखोगे तभी वो उसकी फाइल लेके कोई काम कर सकते हो। ठीक है,
जी सर, सर मैं कह रहा था पढ़ने में अगर मतलब आगे कोई क्वेरी होती है तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर? मुझे कांटेक्ट करने के लिए तो आप ये है, किस चीज में क्वारीज होगी आपको, जैसे बताइए, कैड में, ड्राफ्टिंग जी में? सर, जी सर, हाँ, तो सर आप मेरा नंबर, आपके पास किन का नंबर, आप किससे कनेक्ट होते हो, इरफान इरफान सर से या इफ्तखार सर से? सर रिगार्डिंग एचयूएससी ड्राफ्टिंग है, एनी कमेंट्स यू हैविंग सर, लिस्ट कमेंट लिस्ट फॉर ओनली फॉर एचयूएससी ड्राफ्टिंग फॉर मेकिंग ओके, तो पाइप डक्टिंग? प्लीज नोट माय नंबर, प्लीज नोट माय नंबर, 8 2 8। 1 मिनट, 8 2। सर एक सेकंड, आप रिकॉर्डिंग अगर आपको ठीक लगे तो शायद आप रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हैं, वरना वो फिर यूट्यूब पे भी आपका नंबर जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, एक मिनट। सर आप टेलीग्राम पर अपना नंबर शेयर कर दीजिए ना, वो बेटर रहे। यहीं करके दे दीजिए यहीं पे। पे दे दो। हाँ लिखिए, नोट कीजिए, 8 2 8, जी सर, 8 2 8 7, 6 9 4 9 7 7। नोट डाउन हो गया, सर एक बार रिपीट कर दें। 8 2 8 7 6 9 4 9 7 7। ठीक ओके सर, है, थैंक यू सो मच सर। तो कोई नहीं, आप इसको कनेक्ट करें, और ये खास के इसलिए ही असल जो ये आपको के लिए जो सेशन रखा गया था, वो सेशन ही इस वजह से रखा गया था कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले। क्योंकि असल क्या होता है कि शुरू में इम्पोर्टेंस पता नहीं होती और लोग इधर उधर ढूंढने के लिए भागते रहते हैं, और वो हो सकता है कि वो गलत जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ पैसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा लेकिन होता है, मार्केट की पॉलिसी है अभी तो पैसे वेस्ट भी होते हैं जहां पर। तो उस चीज से बचाने के लिए ये इन्होंने, कंफर्ट डिजाइन ने ये प्लान बनाया था कि थोड़ा एक सेशन रखा जाए जिसके वजह से लड़कों को कनेक्ट किया जाए और उसकी इम्पोर्टेंस का बताया जाए। जैसा कि क्योंकि आप जैसे बताया कि रैबिट के बारे में आप नहीं जानते, तो रैबिट पे भी क्या होता है, रैबिट की आपको मैं बता दूं, रैबिट पे आज के टाइम में रैबिट की जो अच्छे जगह पर आप रैबिट सीखने जाओगे तो 15 से 20 हजार रुपये फीस है रैबिट की। लेकिन रैबिट लोग आपको 5 हजार में भी करा देंगे, तो लेकिन 5 हजार में जो रैबिट कराएंगे, 5,000 में, वो सिर्फ ऐसे ही कराएंगे जो के बस आपने कर लिया, उसका कोई यूज आपको वहां नहीं देखने को मिलेगा, ना कोई कंपनी हायर करेगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने कभी रैबिट पे किया ही नहीं होता। थोड़ा सा वो यूट्यूब से सीख लेते हैं जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तो लोग जो मटेरियल डालते हैं वो वही मटेरियल डालते हैं जिसपे लड़के कनेक्ट करें, कोई फुल मटेरियल तो होता नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है ना। जी सर, बिल्कुल सही बात है। उससे अगर आप सीखेंगे तो अधूरा सीखेंगे, अधूरा सीखेंगे, और कोई प्रोजेक्ट वाइज जैसा काम होता है, जैसा काम उठाया जाता है, मेरा ये कहना है पर्सनली, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि हर जहां भी पढ़ो, यहाँ पढ़ो, दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ो, अगर पैसा दे दे के पढ़ रहे हो तो उसी बंदे से पढ़ो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। क्योंकि अब हम सिर्फ इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ के आप ऑलरेडी 4 साल थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर थ्योरी ही पढ़ोगे तो आगे जो कंपनियां जो लेती हैं वो थ्योरी के बेस पे नहीं लेती, वो प्रैक्टिकल के बेस पे लेती हैं। तो आपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया हुआ है किसी बंदे ने, उससे पढ़ रहे हो तो आपको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो वो वही बताएगा जो वो काम कर रहा है, और जो जो प्रॉब्लम फेस होता है वो प्रॉब्लम भी डिस्कस होते हैं। लेकिन अगर आपने जहाँ पढ़ा एज अ टीचर से पढ़ा, टीचर का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, जैसा कि ऑटोकैड टाइप टीचर जो होते हैं जो जो सिंपल कमांड जो बताते हैं, तो उनका क्या जी होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कमांड बता के खत्म कर देते हैं, और उसके बाद आगे आपको पता नहीं चल पाता कि क्या करना है। सर, इसी को हम फ्रूटफुल बनाने के लिए, मतलब मैं पर्सनली सोच रहा था कि जो हम ये कर रहे हैं कंफर्ट डिजाइन से, इससे हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट छोटा
कुछ करिए ताकि हमें सीखने को मिले कुछ। देखो मैं आपको एक पर्सनल सजेस्ट करूंगा, अभी तो आप जितना भी आपको पढ़ाया गया है उससे आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन आपको आगे इंटर करने के लिए एज अ फ्रेशर के तौर पे आपको बहुत सी चीजें तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा और कनेक्ट होना पड़ेगा कंफर्ट डिजाइन से। कभी जब पास आउट हो जाओ, जब आपका क्लास खत्म हो जाए, कभी जो अभी आप लोग सब मेरे ख्याल से पास आउट हो चुके हो क्या? जी सर, फाइनल ईयर है सर। फाइनल ईयर है तो ठीक है, मतलब उसमें फाइनल ईयर तो आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप आगे जाओगे जॉब उप के लिए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कंफर्ट डिजाइन प्लेसमेंट भी कराती है, ठीक है ना? तो कंफर्ट डिजाइन प्लेसमेंट भी कराती है, इंटरव्यू खुद लेती है, उसके 70-60% अगर आप उसे अचीव करोगे उसके बाद ही वो आगे इंटरव्यू के लिए भेजती है। तो फिर वो सारी चीजें जो पैटर्न बनाया गया वो ठीक बनाया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10 बच्चे अगर एक क्लास में है तो हो सकता है 5 ही उस लायक हो जो इंटरव्यू फेस करें। तो हमारी मेरी भी हमारे साथ भी जो कंफर्ट डिजाइन के साथ जो टाई अप है किसी कंपनी का, वो ऐसे तो नहीं है ना, वो तो इस वजह से है कि वो मांगते हैं हमसे कि जो बच्चा उस लायक हो, जो क्रीम स्टूडेंट हो, उसे दिया जाए। तो क्रीम तो हो, ऐसे तो सब भी मेहनत करेंगे तो सब क्रीम हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि उनमें से कुछ मेहनत कर पाते हैं, कुछ मेहनत नहीं कर पाते। तो जो मेहनत करते हैं उनको तो कंफर्ट डिजाइन खुद से टेस्ट लेके पास करती है और उसके बाद ही आगे भेजती है, क्योंकि अगर सिर्फ सिर्फ हम नॉर्मल जान पहचान पे भेजने लगे तो हमारी जो रेपुटेशन है खराब हो जाएगी और फिर हमें वो जो हमारा टाई अप है वो खराब हो जाएगा किसी कंपनी से, कि आप जो 10 बच्चे भेजते हैं 10 के 10 किसी कोई भी लायक नहीं होता, तो वो फिर दिक्कत होती है फिर उसमें। तो इसलिए आपको आगे आपके लिए ये अच्छा होगा कि कभी अभी आप लोग इससे जो सेशन लिया गया है इससे आप प्रैक्टिस कर लें, लेकिन इसमें जो है बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जो 2-3 सेशन में जो चीजें हैं ड्राफ्टिंग स्किल आपको सीखने में और उसको कवर करने में 15-20 क्लास की जरूरत पड़ती है, रैबिट को खुद सीखने में आपको 2 महीने लगेंगे। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज में सब कुछ तो नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना था कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों ने आपको कनेक्ट किया था, और क्या बाकी चीजें जो थी एक इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कि लड़कों को इंटर्नशिप जो होता है और वो इंटर्नशिप करते हैं तो वो इधर उधर से कर लेते हैं, अब बाज औकात तो वो इंटर्नशिप करते ही नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कॉलेज में, तो वो कम से कम ऐसे जगह से करें कि जो उनको कुछ यूज, जैसे हम लोगों ने भी कभी इंटर्नशिप किया था तो उसका कोई मतलब नहीं था, बस ऐसा ही था, कम से कम इस इंटर्नशिप का एक मतलब होगा, आपको कुछ समझ में आई बात, आपने कुछ सीखा, तो उससे आपको फायदा पहुंचेगा, ठीक है? जी सर। चलिए ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं फिर। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।